मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की मसीह में आप सबों की सलामती हो। गुड मॉर्निंग पीपल ऑफ गॉड, आई होप आप सब खैरियत से हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उन्होंने एक और दिन हमारी जिंदगी में हमें मुहैया किया कि हम अपनी जिंदगी से उनके नाम को जलाल दें। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, अगर आप आज जिंदों की जमीन पर हैं तो ये भी खुदावन की मर्जी है। वो आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे साथ वक्त को गुजारे। वो आज भी आपके लिए बाहें फैलाए आपका इंतजार करें कि कब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरी तरफ नजर करेगा और मैं उसको संभाल लूंगा, मैं उसको बचा लूंगा। हालेलुया। सो आज हम मुंह से तो कहते हैं कि हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का कलाम हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। सो आज अपनी जिंदगियों पर ध्यान दीजिए कि क्या आज हम सिर्फ लफ्जी तौर पर तो नहीं कह रहे कि हम मसीह पर ईमान रखते हैं, क्या आज ईमान के साथ ईमाल है। आज इसी पे बात करते हैं। हम एक रेफरेंस देखते हैं, यशुआ 2 चैप्टर उसकी 4th वर्स से हम देखते हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपा कर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। आमीन। थोड़ा सा स्टार्ट से बात करते हैं ताकि हम ठीक तरीके से समझ पाए। खुदा बाप ने प्रॉमिस किया इब्राहिम से कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और वो लोग जो हैं 400 वर्ष तक गुलामी करेंगे और बाद में मैं उन्हें बड़ी दौलत के साथ वहां से छुड़ाऊंगा। फिर बाइबल बताती है कि एक टाइम आया कि मूसा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। अब देखिए, प्रॉमिस इब्राहिम से किया एंड मिस्र की गुलामी से निकाला मूसा ने, लेकिन प्रॉमिस लैंड तक लेकर जा रहा है यशुआ। खुदा ने यशुआ से कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब इन लोगों को तू प्रॉमिस लैंड तक ले जाएगा। तो यशुआ ने वहां पर जाने से पहले 2 जासूसों को भेजा कि वो वहां एक वहां पर जाए और वहाँ की जासूसी करें। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर एक कस्बी औरत के घर स्टे किया जिसका नाम था राहब। उसने उन्हें अपने घर पर जगह दी। हम नए अहदनामा में देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने जब हमें फेथ के बारे में सिखाना चाहा तो उन्होंने राहब की एग्जाम्पल दी, उन्होंने राहब की जिंदगी से हमें फेथ सिखाया। राहब ने उन जासूसों को बोला कि मैं जानती हूँ कि खुदा ने तुम्हें ये जमीन दे दी है। अभी तक वो इस जमीन पर कदम नहीं रखा, उन्होंने उनके पांव उस जमीन पर पड़े नहीं है, लेकिन राहब ने बाय फेथ बोला कि मैं ईमान रखती हूँ, मेरा यकीन है कि खुदा ने तुम्हें ये जमीन दे दी है। यीशु ने कहा कि किसके लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए जो दुआ करे और कहे कि जो कुछ मैंने मांगा वो हो चुका, मैंने पा लिया, मुझे मिल गया। और ऐसा ही फेथ जो है वो राहब के पास था। बाइबल बताती है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। जब राहब ने ईमान रखा तो पता है उसने अपने ईमान को ईमाल में कैसे कन्वर्ट किया? उनको अपने घर में पनाह देकर तब उसने अपने फेथ को अपने ईमान को काम के जरिया जाहिर किया। अगर आज आपसे पूछा जाए कि कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी कलीसिया को अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, तो एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जो बोले कि मैं यकीन नहीं रखता। अगर आप बिलीव करते हैं कि यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है तो आप इस फेथ को काम से कैसे जाहिर कर सकते हैं? जानते हैं कैसे? जो कोई उम्मीद रखता है कि वो आने वाला है तो वो खुद को खुदा की तरह पाक करता है, जैसा वो है वो खुद को उसकी तरह बनाता है। जो बिलीव करता है कि वो आ रहा है खुद को तैयार करेगा उसके आने के लिए, और जो बोले कि वो आ रहा है और सारा दिन वो पबजी खेले तो वो झूठा है। और जो लेडी ये बिलीव करे, वो अपने मुंह से इकरार करे कि मसीह यीशु आने वाला है और सारा दिन इधर बैठ के चुगलियां कर ली, उधर बैठ के चुगलियां कर ली, वो झूठी है। बाइबल बताती है कि वो झूठी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ।
जो कहता है कि वो आ रहा है और बिलीव रखता है, तो वो खुद को बदलेगा, वो दुनिया जैसा नहीं बनने की कोशिश करेगा। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं जी हम दुनिया च रहने हैं तो फिर सब कुछ नाल नाल ही है, यू नो, सब कुछ साथ साथ ही है। आजकल की लड़कियों को देख लो, टिकटॉक बनाती हैं, मुंह बिगाड़ कर, और फिर कहती हैं जी हम मसीही हैं, मसीह आ रहे हैं हमें लेने के लिए। खुदा का कलाम कहता है कि वो झूठी हैं। कहते हैं सब बना रहे हैं तो हम भी बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सारी दुनिया कर रही है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया की नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। आमीन। अगर आज सच में ईमान रखते तो गुनाह ना करते। मैं सच कह रही हूँ, अगर गुनाह से बचना चाहते हैं तो सुबह उठते कहें कि बस आज मसीह आ रहा है मुझे लेने के लिए, आज का ही दिन है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए, मैं ऐसा कैसे खुद को गुनाह से रखूं। जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलेगी। अगर आप कहोगे ना कि हाँ मसीह आ रहा है, मैं ईमान रखती हूँ, और रोज़ अब खुद गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे मुँह से बोलने का भी। सुबह उठते हैं तो अपना माइंडसेट कर लें कि बस आज का ही दिन है मेरे पास, मैंने कैसे खुदा को खुश करना है, कैसे उसके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे खुद को उसके आने के लिए तैयार करना है, और कैसे लोगों को तैयार करना है। बस आज का दिन है, मुझे कुछ करना है, ये अपने माइंड में सेट कर लें, तभी आप खुद को तैयार कर पाओगे। नहीं तो आप कहते रहोगे कि हाँ अभी बड़ा टाइम है, मैं खुद को तैयार कर लूंगा। आज बहुत से लोग जुबान से तो कहते हैं कि हम मसीह के मानने वाले हैं, देखा जाए तो आज उसे रिजेक्ट तो नहीं करते हैं, पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज उसे इग्नोर किया जाता है। जब खुदा कहता ना कि उठ जा दुआ कर ले रात को 3 बजे, या कभी भी ऐसा होता है कि हमारी स्पिरिट डिज़ायर करती है कि हम खुदा से बात करें, तो हम खुदा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, हम उसकी आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। आज लोग इग्नोर करते हैं और बस लफ्ज़ी ईमान रखते हैं कि मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा आ रहा है। सो देखिए, ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। अगर खुदा ने आपको कहा है कि उठ के दुआ कर, सो उठिए और काम कीजिए उसके लिए, बैठिए प्रेयर कीजिए, क्या कह रहा है वो आपसे, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाइए कि वो आपसे क्या बात करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप जिंदा हैं और जिंदों की जमीन पर हैं, तब तक ही आपके पास वक्त है। अगर एक बार इस दुनिया से चले गए तो हमें निजात नहीं मिल सकती है, तब पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं है, और तब हमेशा की आग में जलाए जाएंगे, और वहां से हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। सो आज जिंदा है, आज वक्त है, खुदावन का शुक्र कीजिए कि उन्होंने एक और दिन दिया कि हम तौबा कर सकें, हम अपने गुनाहों का इकरार कर सकें। सो मेरे अजीजो, आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह के सामने और तौबा करें, और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने का प्रॉमिस करें, और रोज़ बरोज़ अपनी बुरी रविशों को, बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालते जाएं। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ वक्त लगता है। सो स्टार्ट तो कीजिए, खुदावन खुद ही आपका हाथ थाम कर आपको आगे बढ़ना सिखाएंगे। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं, FB पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, सो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप इजीली रिसीव कर सकें, आप और सर्मन्स को सुन के बरकत को रिसीव करें। सो गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो।